आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। अब आबो हवा भी बदलेगी, बदलेगा अपना ठिकाना, मिल बैठेंगे आप हम, कुछ मेरी सुनना कुछ अपनी बताना। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक बजट फ्रेंडली मकान लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर लोकेशन, जैसा कि हमेशा संगम विहार कॉलोनी वहीं पर ये मकान बना हुआ है और ये कुल मिलाकर 635 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और कवर्ड एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट है। और इस लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं, ये लोकेशन आलमबाग अवध चौराहे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर आप आएंगे हरदोई बाईपास पर तो बाएं साइड में DRM ऑफिस के पीछे, और 1 किलोमीटर अंदर आते हैं तो संगम विहार कॉलोनी में ये मकान है। और अगर देखा जाए इसकी चारबाग से दूरी तो लगभग 7 किलोमीटर है और आलमबाग बस स्टॉप से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन अवध चौराहे पर ही है तो वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है और एयरपोर्ट यहां से दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे का डिस्टेंस यहां से 1 किलोमीटर है। कन्विंस की सुविधाएं मिल जाती हैं, ई रिक्शा विक्शा यहां चलता है और मेन रोड पे तो आपको सारी सुविधाएं यहां पे मिल जाती हैं। और स्कूल कॉलेज और बैंक ये सब आपको, मार्केट, ये 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर सारी सुविधाएं अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब है यहाँ पर। और लैंडमार्क के लिए आपको बता देते हैं तो मेन रोड पे ही DRM ऑफिस है, वही यहाँ का लैंडमार्क है, आप उसको देख सकते हैं। या फिर कॉलोनी का लैंडमार्क जो है स्वयंवर मैरिज लॉन है, वहाँ पर ये आप उसको गूगल पर चेक कर सकते हैं, संगम विहार कॉलोनी स्वयंवर मैरिज लॉन, तो आपको लोकेशन दिख जाएगी दोस्तों। तो ये इस लोकेशन से संबंधित थी, बाकी इस मकान का आपको हम पूरा विस्तृत रूप से परिचय देंगे और सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, इसका प्राइस कितना है और कितना आपको इस पे फाइनेंस हो जाएगा, कितना आपका डाउन पेमेंट लगेगा और किस्त भी कितनी आएगी लगभग, वो भी बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। आ जाइए कैमरामैन, अंदर आ जाइए दोस्तों। ये आपका 18x10 का पोर्च एरिया है और इसमें आपकी ब्रेजा और स्विफ्ट डिजायर और टाटा पंच और जो इस रेंज की मिड रेंज की गाड़ियां वो सारी आराम से खड़ी हो जाएंगी। एक बाइक भी आपकी यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये समझ लीजिए आपके यहाँ पे बाइक पार्क है, इधर गाड़ी का स्पेस। और ये जो नीचे का स्थान दिख रहा है ये इन्वर्टर के लिए बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पर स्विच सॉकेट दे दिए गए हैं। और ये आपका जो है वॉशिंग एरिया है, यहीं पे आपको समरसिबल का पॉइंट दे दिया गया है और ये समरसिबल का डायरेक्ट पॉइंट गाड़ी वाड़ी धुलने के लिए दे दिया गया है और एक टैप भी दे दिया गया है। अब आइए आपको ले चलते हैं अंदर। एक एंट्री मिलती है आपको, ये सीधा आपका, ये आपका ड्राइंग एरिया है दोस्तों। ये 15x8 का है, जरा पीछे हट के दिखाइए तो स्पेस दिख जाएगा, उधर से खड़े होकर दिखाइए उधर से, और फॉर सेलिंग भी दिखा दीजिए। पोर्च में भी फॉर सेलिंग थी, वो आपने शायद नहीं दिखाया है, अभी चलिए दिखा दीजिए दोस्तों। ये दिख रहा होगा, सुंदर वॉलपेपर लगाया गया है क्लासिक डिजाइन का, जैसा कि आपको दिख रहा है। और यहीं पे ये आपका हमारे बाएं साइड में किचन है, किचन आपको काफी स्पेसियस मिल जा रहा है देखिए, और एक विंडो दी गई है जो कि सीधा आपके लॉन एरिया में खुलती है। और इसका जो कलर रखा गया है वुडन कलर सिंगल टोन में रखा गया है और जिससे कि इस पर आपके जो किचन की गंदगी का कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, साफ सफाई हो जाएगी। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट क्लोजर है और ये इसमें देखिए जो सिंक लगाया गया है ये साउंड प्रूफ है और ये टैब जो लगाए गए हैं सारे ब्रांडेड है, इनका आपको बाद में वारंटी कार्ड दे दिया जाएगा। काफी स्पेस है इसमें, ये 12x6 का है। यहाँ पे भी आपको पीओपी की डिजाइन मिल रही है और वो जो आपको स्पेस दिख रहा है, होल दिख रहा है,
वो आप अगर चिमनी लगाना चाहें तो उसके लिए बनाया गया है कि पाइप निकल जाए, चाहे आप और अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं अगर खिड़कियों पर नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये फ्रिज के लिए बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे सॉकेट ऊंचाई पे दिया गया है स्विच सॉकेट। यहाँ पे आपकी फ्रिज बड़ी जो डबल डोर वाली होती है वो भी आराम से आ जाएगी, चाहे तो आप उससे भी बड़ी लगा सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए डिश स्विच का वायर सब डाल दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी टीवी लगा सकते हैं, इसीलिए ये स्थान बनाया गया है। और ये आपका ओटीएस रखा गया है दोस्तों वेंटिलेशन के लिए, यहीं पे आपको ये वॉश बेसिन भी दिया जा रहा है, दिखा दीजिए अंदर जाके वॉश ओटीएस। आइए अब आपको ले चलते हैं आपका कॉमन वॉशरूम दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका वॉशरूम है, अभी यहाँ पे पेंट हो रहा था, अभी काम खत्म ही हुआ है इसलिए सब डब्बे उब्बे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, एक इसमें आपको वॉश बेसिन भी मिल जा रहा है, ये टॉवल रॉड लगे हुए हैं, बाकी सारी एक्सेसरीज यहाँ पे लगा दी गई है। स्पेस लगभग 5x6 का है और पीओपी की डिजाइन दी गई है ऊपर, और लगभग 7 फीट ऊंची ऊंचाई तक टाइल्स लगाई गई जिससे कि सीलन की समस्या ना रहे, और ये डोर नहीं लगा है लगा दिया जाएगा। आइए ये आपका बेडरूम है दोस्तों, इधर से आइए और देखिए दोस्तों इसमें भी वॉलपेपर बहुत ही सुंदर लगाया गया है, दिखा दीजिए। और ऊपर देखिए उसी तरह फॉल्टेनिंग की गई है, कलर भी बहुत ही सुंदर रखा गया है। और ये आपका एलसीडी है, ऊपर एसी का पॉइंट दिया गया है और यहाँ नीचे भी स्विच सॉकेट सब दे दिए गए हैं, अगर आप कूलर लगाना चाहें और यहाँ ओबीएस में आप चाहें तो कूलर लगा सकते हैं, यहाँ पे स्विच सॉकेट दे दिए गए हैं। अब चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हैं इसीलिए यहाँ पे डिस्का वायर दे दिए। आ जाइए कीड़े बहुत हैं। सीढ़ियों पे ब्लैक ग्रेनाइट लगाया गया है, स्टील की रेलिंग आपको मिल जा रही है दोस्तों, और सीढ़ियों की ऊंचाई बहुत नॉर्मल रखी गई है कि बुजुर्ग भी आराम से इस पर चढ़ सके। ये बालकनी है और इतना स्पेस दिया गया है कि आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, पूरा फेस का ये मकान है तो आप सर्दियां आ ही रही हैं तो यहाँ पर बैठ के आराम से बालकनी में अपनी धूप का आनंद ले सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, और इधर भी आपको इतना स्पेस मिल जा रहा है। स्टील की रेलिंग दी गई है दोस्तों, ये आपका ऊपर का बेडरूम है, ये काफी लंबा रखा गया है लगभग 16 फीट लंबाई है और 8 फीट इसकी चौड़ाई है, लाइट ब्लू स्काई कलर इसका रखा गया है और ये वॉलपेपर भी उससे मैचिंग ही लगाया गया है ऊपर, और सीलिंग आपको दिख ही रही है बहुत ही खूबसूरत रखी गई है। और एक विंडो मिल रही है आपको जो सीधा बालकनी की तरफ खुलेगी, यहाँ पे भी एमसीबी सारे लगा दी गई है, एसीएलसी के सारे पॉइंट दे दिए गए जैसे कि नीचे था। अब आइए छत दिखा देते हैं, दोस्तों ये आपका ओपन एरिया है, यहाँ पे भी आपको एक वॉश बेसिन दे दिया जा रहा है, यहाँ पे भी एक देखिए वॉश बेसिन लगा दिया गया है, और ये यहाँ पे आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर दिखा दीजिए
यहाँ पे आपको एक सीढ़ी लगा दी जाएगी, ऊपर आपका टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक। और अब आपको जो इस मकान से बची हुई मुख्य जानकारी है वो भी दे देते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये पूरा मकान दिखा दिया नीचे से ऊपर तक, और जो इससे रही जानकारियां रह गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये पूरा फेस का मकान है और इसका 16 फीट का फ्रंट है और 40 फुट का डेप्थ है और ईस्ट फेसिंग है ये। और जो इसकी आस्किंग प्राइस रखी गई है वो 35 लाख रुपए रखी गई है। तो इस हिसाब से आपका 80% इस पे लोन हो जाएगा दोस्तों। तो 80% के हिसाब से आपका लगभग 28 लाख लोन हो जाएगा और 7 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। इस पर कुछ निगोशिएबल हो जाएगा लेकिन अभी आप मोटा मोटा ये जान लीजिए। तो 28 लाख के हिसाब से आपकी जो किस्त आएगी वो लगभग 22 से 23 हजार रुपये मंथली बैठेगी। ये इससे संबंधित जानकारी थी किस्त से। और हमारे पास और भी मकान है जो इससे कम बजट के भी हैं, लेकिन वो 1 BHK है, ये 2 BHK मकान बना हुआ है। तो लोकेशन और इस मकान से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है या आप वीडियो में नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा, मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात।